नमस्कार, मोड ऑफ दिल्ली आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज मैं आपको लेकर चल रही हूं शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से विधायक सत्येंद्र जैन हैं, आप पार्टी से हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। तो ऐसे में यहां पर जनता को उम्मीद बेहतर काम की होगी, सभी सुख सुविधाओं की होगी। और अब इन सबके बीच यहाँ की जनता कितनी खुश या कितनी दुखी दिख रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे यहाँ की जनता से। जानेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में वो क्या चाह रही है, क्या कांग्रेस कहीं से उन्हें आती हुई दिख रही है, कुछ उम्मीद दिख रही है, या भाजपा मोदी जी के नाम पर दिल्ली पर राज कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, इन तमाम सवालों को यहाँ की जनता के सामने रखेंगे और बताएंगे आपको क्या है मूड ऑफ दिल्ली। राजपथ विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और ये फिलहाल ऋषि नगर है। यहाँ पर जब कुछ लोगों से बातचीत हुई है तो उन्होंने एक जो मेन जो यहाँ की समस्या बताई है वो है ट्रैफिक जाम। और कुछ उसकी बानगी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। अगर आप यहाँ रोड पर देखें तो इसी तरह का ट्रैफिक, यहाँ के लोगों की शिकायत है कि इसी तरह का ट्रैफिक आपको दिन भर दिखेगा। और ये एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है जिस पर अब तक कोई पार्टी काम कर नहीं पाई है। जो भी अब तक विधायक आए हैं इसका सॉल्यूशन अब तक नहीं निकल पाया है। आई और क्या क्या समस्याएँ यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ के रहने वाले हमारे साथ हैं, ये बात करते हैं। भैया आप यहीं रहते हैं, कब से रह रहे हैं? मैं जन्म से ही रहा हूँ। जन्म से आप यहाँ हैं, तो कैसा है इलाका? बढ़िया है, काम होते हैं यहाँ या समस्याएं ही हैं? काम तो होते हैं जी। अच्छा, समस्याएं हैं? पार्किंग की समस्या है। हाँ जी। तो और उसकी वजह से जो रोड पर गाड़ियाँ खड़ी होती है ये भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की वजह है? ये भी है मैडम, ये मेन आगे ई रिक्शा वगैरह खड़े होते हैं उसके चक्कर में जाम लगे थे, 10-10 रुपये सवारी के चक्कर के अंदर वहाँ जाम कर देते हैं पूरा। अच्छा, रानीबाग चौक पे। तो ये कहे कि रानीबाग की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम। हाँ जी, फर्क पड़ता है ट्रैफिक जाम से, क्या क्या दिक्कत है? मैडम किसी ने जाना हो हॉस्पिटल, जाना हो महावीर हॉस्पिटल पास में है तो पेशेंट तो वही हो जाएगा, बीमार पेशेंट हो क्या करेगा बंदा, समस्या तो है ही। और क्या दिक्कत है भैया ये बताएं? और दिक्कत मेन तो ट्रैफिक जाम, और जितना ट्रैफिक से जो मिट्टी उड़ती है, हवा उड़ती है, सबके घरों में जाती है, उसे बहुत मुश्किल है। पर काम वो आते हैं करवाने, अभी पीछे सीवर का करवाने आए, बस अभी वो कह के चले गए, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। सत्येंद्र जैन जी आए, सीवरेज की समस्या है? हाँ, सीवरेज की समस्या इस मेन रोड पे आए। अच्छा, वहाँ से लेके वो लास्ट तक। क्या ब्लॉकेज है? नहीं है ही नहीं, यहाँ यहाँ है ही नहीं, सीवर लाइन ही या नहीं डली है की तरफ, सीवर लाइन नहीं है। तो बारिश होती है तो क्या हाल होता है? बहुत पानी जाम होता है, लेकिन कम होता है, इतना नहीं है। लेकिन ये ट्रैफिक मेन ट्रैफिक ही है, रोड जो ब्लॉकेज हुई पड़ी है, ये ट्रैफिक देखो आप। पानी जाम इसमें आया होता है कि एक तरफ का ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो जितनी ये हाँ ये जो नाले हैं ना ये सारे ब्लॉकेज हैं, वो प्रॉपर नहीं निकलता और ना वो पूरी सफाई होती है। मतलब दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हम सीवर की समस्या सुलझा रहे हैं, आपके तो विधायक मंत्री भी हैं। नहीं, मंत्री तो हैं, वो काम भी कर रहे होंगे, ये नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ की समस्या जो मैं उसकी कर रहे होंगे 5 साल। मैं दिल्ली रानीबाग की समस्या बता रहा हूँ, ऋषि नगर की, यहाँ पर समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक आप देखो जाम है, ये सीवर जाम है, ये यहाँ की समस्याओं के बारे में। सारी दिल्ली में तो काम हो ही रहा होगा, उसमें हमें क्या लेना। लेकिन आपके रानीबाग में नहीं हुआ? रानीबाग में इस एरिया में नहीं है काम कम है, आपके एरिया में नहीं, आप यहीं रहते हैं? हाँ, इस एरिया में काम बहुत कम हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम काम हुआ है। मतलब क्या माने कि आप परेशान हैं या नहीं है इस चीज़ से? नहीं नहीं, परेशानी क्या है, परेशानी यही है जो आपको छोटी मोटी बताई है, इसको हल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो चाहे तो हल कर सकते हैं, वहाँ एक रेड लाइट लगा दें, हो जाएगी समस्या हल। तो अब क्योंकि अब फिर से विधानसभा चुनाव है अंकल, क्या लग रहा है अब काम के आधार पर आएंगे, जो लहर है उसके आधार पर आएंगे? काम के आधार पर ही आते हैं। तो आपके इलाके में हुआ नहीं, फिर क्या करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हुआ, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, काम हुआ है। काम कहाँ कहाँ हुआ है अंकल, काम क्या क्या दिक्कतें थी जो आज नहीं? जैसे उस ऋषि नगर, उस सैनिक विहार के आसपास की रोड अच्छी बनाई है उन्होंने, उस तरफ काम किया है, लेकिन इस तरफ ऋषि नगर के इस तरफ काम कम हुआ है बहुत। आपका इलाका भूल गए ना मतलब? हाँ भूल गए, नहीं है, बड़ा इलाका है ना भाई, छोटा इलाका नहीं है ना, जहाँ किसी ने अप्रोच कर दिया तो वहाँ काम हो गया, जैसे हमारे जगह से जो नॉर्मल बंदे हैं उन्होंने कुछ कहा वो देखते हैं करते हैं। मतलब बेटर हालात लग रहे हैं कांग्रेस के टाइम से? कांग्रेस के टाइम से कह सकते हो बेहतर है, बेहतर ही है, थोड़ा सा बेहतर। चलो समस्या तो नहीं बता रहे, ये तो बताओ। नहीं नहीं, बेहतर है। बेहतर है किस किस मायने में?
इस मायने में देखो लोगों को सहूलियत है। क्या क्या? जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, ये काफ़ी सारी चीज़ें। आपने ये पर्सनली अनुभव किया है या फिर सुना है? नहीं नहीं, अनुभव किया है। कैसे? जाकर के देखो ना, जो एक्सरे जो होते थे चार चार पाँच पाँच हज़ार रुपये के कलर वाले एक्सरे होते थे, आज फ्री में हो रहे हैं। गरीब आदमी महावीर के अंदर हो गया, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हो गए वहाँ बेचारे सबका इलाज फ्री हो रहे हैं। सारी दवाइयाँ सब सुकून से, सब कोई परेशान नहीं है इस टाइम। परेशान है तो सिर्फ और बातों को लेकर, दो छोड़ो। तो अंकल जी बताइए कैसी है केजरीवाल सरकार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आप देखिए कि लेडीज को फैसिलिटी दी है, अब सीनियर सिटीजन को देने जा रहे हैं। किसी तो गरीब का हेल्प हुई ना, क्योंकि आप देखो ये सारी वेल्थ किसकी बढ़ रही है। अंकल चुनावी स्टंट भी तो कह सकते हैं। चुनावी स्टंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चार साल पूरे थे तब तो, चार साल से बढ़िया चल रहा है। गांव को तो अभी फ्री किया ना, चार साल अभी कर दिया। ओहो, आपकी बात सही है। अब जो है, अब हर कोई होशियार है बड़ा। अब देखिए ना, इलेक्शन आएंगे पास तो उसके आस पास ही सब करेंगे। अब बीजेपी भी वही कर रही है, सब वही कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई भी। केजरीवाल सरकार से रादर वी आर हैप्पी है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। और आपके इलाके, आपके विधायक? विधायक सतेंद्र जैन जी ठीक है, आते रहते हैं, चक्कर मारते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, चलता रहता है। जैसे ये बनाया और दूसरा डिपार्टमेंट खोदने वाला आ गया, तो ये दिल्ली में चलता रहता है। ये एक बना जाता है, दूसरा तोड़ जाता है आके, क्योंकि फिर काम ही गाड़ी ऐसे चलती है ना, नहीं तो गाड़ी रुक जाती है। समझ रही आप मेरी बात है जी? ये सारा बना दिया था, अब ये तोड़ने आ गए कि यहाँ सीवर डालना है। हाँ, सीवर नहीं डाला। अब भाई सीवर डाल के ही बनाते, पहले बना दिया है जी, फिर तोड़ दिया, फिर अब फिर सीवर डालने के लिए फिर तोड़ने। तो फिर ये समस्या तो बनी ना, समस्या तो रही आपकी, खत्म कहाँ? समस्या तो सारी उम्र खत्म नहीं होनी, कोई भी नहीं कर सकता है जी, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी समस्या, ये आप देख रहे हैं ट्रैफिक कितना चल रहा, कितना ट्रैफिक चल रहा। रेड लाइट होनी चाहिए, वो कट जो है ना, वो तो बंद होना चाहिए, या वहाँ रेड लाइट होनी चाहिए, वो नहीं सकता ना स्टेशन। तो ये बात है, आपने विधायक के सामने रखी है। वो विधायक को इतना देरी टाइम देते हैं। वो यहाँ जब सीवर का उद्घाटन करने आए थे ना, तो भी वहाँ बोला कि ट्रैफिक की समस्या है, अच्छा देख लेंगे, पर उसके बाद बात ही नहीं। देख कैसे लोगे, कम से कम उस, या तो वो रेड लाइट लगवाओ उस कुरुपस्ती स्टेशन में, या उसको थ्रू करवाओ कि आगे से वो एक डेढ़ किलोमीटर यू टर्न करके, तभी हल होगा। आप यहाँ दो घंटे खड़ी रहिए, इसका हल दिखा देना। तो हम विधायक को क्या कहें, काम किया नहीं किया? अंकल ये तो कन्फ्यूजन हो गई यहाँ पर। कन्फ्यूजन तो हो गई, पर हम क्या बताएं ना, बाकी काम कर लिया। जो मेन समस्या है जो रानीबाग की, वो हल नहीं हुई, क्योंकि हमें यहाँ से बरतानिया चौक जाने में 25 या 30 मिनट लगते हैं, जो रास्ता 5 मिनट का, आगे हम कहाँ जाएंगे, यहीं फंस जाते हैं। तो अब कुछ चांसेस लग रहे हैं भाजपा या कांग्रेस के? कुछ चांसेस क्या लग रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के? हाँ। अब दिल्ली में, नहीं आम पार्टी कि 67 की 67 सीटें फिर से आ रही है? बिल्कुल पक्का, ये ज्यादा आ रही है, ज्यादा भी आ सकते, हो सकता 70 आ जाए। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कम होती नहीं लग रही? नहीं नहीं, कांग्रेस के क्या चांसेस लग रहे हैं? नहीं नहीं, कांग्रेस का कुछ भी नहीं, एक भी सीट नहीं इस बार, नहीं एक भी तो नहीं। भाजपा तो करेगी फाइट, कांग्रेस का तो चांस ही नहीं कहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो कहीं भी खड़ी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया कांग्रेस के साथ? के उनके जो वर्कर है ना, वो सब इधर उधर भाग गए, कुछ तो बीजेपी में चले गए, कुछ आप में चले गए, वो वहीं के वहीं बैठे हैं, वो पुराने के पुराने वहीं के वहीं बैठे। और मोदी जी का नाम? वो तो चल रहा है, चल ही रहा है। वो तो बाबा मोदी जी का नाम चलेगा दिल्ली में? मोदी जी के नाम पे वोट नहीं आएंगे? कुछ कह नहीं सकते, आई कांड, मैं कुछ नहीं कह सकता, आएंगे कि नहीं आएंगे, किसका नाम चलेगा किसी को कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। आप आइए पीछे से, क्या कह रहे हैं, मोदी जी का नाम चलेगा कि नहीं? नहीं नहीं, केजरीवाल का चलेगा। क्यों, केजरीवाल जी का ही क्यों? केजरीवाल जी ने काम किया है, 5 साल तक बिजली के रेट कहाँ बढ़ने दिए, पहले बढ़ जाते थे किसी, क्या पता मोदी जी आ जाए वो भी फ्री कर दें। मैडम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो 2 दिन का बाद जुमला होगा कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा। हाँ, वो हर एक के बस की नहीं है, जो केजरीवाल काम कर रहा है वो कोई नहीं कर पाएगा। हमारे पार्क को देख लो, हमारे पार्क में कितना काम हुआ है, किसी भी पार्क में चले जाओ आप, सड़कें बन गई सारी, स्ट्रीट लाइटें लग गई, पहले लाइटें नहीं लगती थी गलियों में, कैमरे लग रहे हैं गलियों में, पहले यहाँ पे ये सब नहीं था, पहले तो जीरो अंडा था कांग्रेस के राज में भी और बीजेपी के राज में भी, जीरो अंडा था। तो ये है यहाँ पर रानीबाग में, हम यहाँ मौजूद थे ऋषि नगर इलाका, और यहाँ की जनता का मूड आपने भांप ही लिया होगा कि क्या मूड है इस बार
यहाँ के लोगों का। आगे बढ़ते हैं रानी बाग इलाके में, हम लगातार जायजा ले रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका मूड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहना है जनता का इस बार के विधानसभा चुनाव। चलिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या मूड है, क्योंकि महिलाएं भी लगातार दिल्ली में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, वोटों में अच्छा खासा परसेंटेज जो है वो महिलाएं लेती हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ यहाँ लेडीज से। आंटी, आप इसी एरिया में रहते हो, कुछ है दिक्कत समस्या, कुछ दिखती है? मुझे तो बेटा अभी नहीं दिखती, मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। पार तक भी आते हैं जब घर से, कुछ लगता है बिजली पानी सड़क कुछ दिक्कत? इस टाइम तो नहीं, पानी होने का बिजली का अभी तो नहीं है, गर्मियों में हो जाता है। अच्छा, हाँ इस टाइम तो अभी सब चीज मतलब केजरीवाल गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ ऐसा नहीं है, खास फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है, हाय फर्क भी होते हैं। हाँ, से पूछ लीजिए और तो सब ठीक है बेटा। अच्छा, आप बताइए क्या है दिक्कत, कुछ समस्या कुछ दिखती है आपको? नहीं, अभी तो सब ठीक है वैसे, बाकी सड़कें वड़के तोड़ी हुई हैं, अभी उन्होंने ठीक नहीं करी अभी। अच्छा, गली गली में सारे कुत्ते बहुत हो रहे। अच्छा, ये दिक्कत है यहाँ पर, कुत्ते की तो बहुत प्रॉब्लम है, एक गली में भी 10-10, 12-12 कुत्ते हो रहे हैं, तो उनका कोई इंतजाम नहीं है, फैला जाते हैं। बताइए ना समस्या हमें, कुत्तों का है और तो बेटा पानी बिजली तो सब ठीक ठाक है, सब माफ। चलिए आंटी, आप बताइए कैसा है विधायक की अगर हम बात करते हैं, काम कर रहे हैं? हाँ जी, काम तो हो रहा है, ठीक हो रहा है काम तो, बिजली के बिल भी कम हो रहे हैं, पानी का भी कम हो गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सड़कें हैं ना थोड़ी, इनमें प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त। अच्छा, हाँ जी, सड़कें बिल्कुल नहीं बन रही। सड़कें मतलब किसी पर्पसली तोड़ी गई हैं या ऐसे तोड़ी भी पड़ी हैं कितने, वैसे भी टूटी पड़ी हैं, वैसे भी कितने दिन हो गए बनी नहीं, नई सड़कें तो बिल्कुल भी नहीं बनी है, महंगाई इतनी है, दुनिया भर की इतनी महंगाई है, सब्जी इतनी महंगी लेने जाओ, प्याजों का रेट देखो क्या हो रहा है, आसमान छू रहा है, और क्या कर सकते, परेशानी है ही, तो परेशानी तो है ही बेटे, मतलब परेशानियां तो हैं। तो अब आंटी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, फिर से वोट देने चाहिए, जो अच्छा करेगा, जो गरीबों के साथ रहेगा तो भैया उनका ही वोट देंगे, साफ बात। हां जी, गरीबों के साथ आंटी कौन दिख रहा है अभी? अभी तो सब एक से ही दिख रहे हैं इस वक्त, एक से दिख रहे हैं। फिर आंटी बटन कहाँ दबाओगी? बटन, हाँ देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी, अभी कुछ नहीं कह सकते, जब वोट मांगने आएंगे नेताजी तब डिसाइड करोगे? नहीं, जब भी नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी का चलेंगे फिर। नहीं, कोई तो दिख रहा होगा कि हाँ आपको 5 साल में कोई तो बेटर दिखा होगा। केजरीवाल गवर्नमेंट कैसी लगी? केजरीवाल भी सही है, सही है, केजरीवाल भी सही है, लेकिन मोदी भी अपनी जगह सही है, वो भी सही है, लेकिन ये महंगाई इतनी कर दी, हाँ इतनी महंगाई हो रही है दुनिया भर की, इतनी कहाँ से क्या करें, बच्चों की नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, घर के अंदर बैठे। जिम्मेदार कौन आंटी इसके लिए? जिम्मेदार मोदी सरकार है, और कौन होएगा? तो आप तो कह रही हैं वो ठीक है? ठीक, अपनी जगह भी ठीक ही है। और आपकी जगह? हाँ, आप बताइए आंटी। हम तो अभी वैसे भी नहीं आए, हमें तो कुछ भी इतना में अभ्यास नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा गलत ही नजर आ रहा है, सड़क जैसे टूटी कोई ठीक करने में आ ही नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम वैसे इतनी नहीं खास, भाई यही कुछ नजर आ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में तो सड़क पानी बिजली यही दिक्कतें होती हैं। दिक्कत तो होगी, लेकिन इतनी ना हो जो कि मैं परेशान हूँ। अच्छा, फिर हाल ठीक लग रहा है? हाँ जी। आप बताइए मुझे क्या कह रहे थे आप? मैं तो कुछ ना कह। अच्छा, केजरीवाल जी कह रही हूँ सब सही है, जनता पागल है, बस जनता बेवकूफ है और सब सही है। अच्छा, तो जनता क्यों बेवकूफ है? और क्या बेचारे वो करेंगे, महंगाई इतनी है, वो आप बेवकूफ है, 10 की चीज 100 में मिल रही है, जनता तो अपने आप बेवकूफ हो गई ना, कि जैसे वो चलाए हम वैसे ही चल रहे हैं, तो उन्हें चुना भी तो हमने ही है ना। तो हमने तो चुना, लेकिन वो भी तो सोचे ना पब्लिक का कुछ। अभी इन दिनों में पहले सब्जियां मैडम कितनी सस्ती होती थी, अब हर सब्जी 40-50 रुपए आग लगी पड़ी है सब्जी की। तो टमाटर देखो इन दिनों में 10 रुपए के 2 किलो मिलते थे, जबकि अब तो 20-25 रुपए टमाटर। अरे अब सब्जी को खाता ही नहीं था इन दिनों में, 40 रुपए गाजर है। आंटी क्या लग रहा है अब इलेक्शंस में, भाजपा आती कुछ दिख रही है, लग रहा है कुछ मोदी जी का जादू चलता हुआ दिख रहा है?
देखो जी, ये तो पब्लिक पे किसी के अंदर का कौन पहचान सका। मुंह पे तो सारे कहेंगे हम मोदी ठीक है, थोड़ी दूर जाके कहेंगे कि कांग्रेस ठीक है, किसी के कुछ नहीं कह सकते दिल का। केजरीवाल गवर्नमेंट, केजरीवाल तो ठीक है, वो जो बिजली पानी करीब कर कर है बहुत फैसिलिटी होगी ना, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, मगर बिजली के बिल भी कम करे, पानी के भी करे। आना चाहिए फिर दोबारा, उन्हें आना चाहिए, हम क्या मना कर रहे हैं, आओ। चले, तो महिलाओं की जो सोच है वो भी हमने आपके सामने रखी है कि आखिर वो क्या सोच रही है इस बार के चुनाव को लेकर। तो लगातार हम यही आपको बता रहे हैं, शकुर बस्ती में हम लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका मूड इस बार के चुनाव को लेकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं मूड ऑफ दिल्ली। सैनिक विहार पहुंचे हैं और यहाँ का काफी बड़ा ये पार्क है जहाँ लोग रोजाना आते हैं और फिलहाल हमारे साथ यहीं के रहने वाले कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। तो वही बात करते हैं यहाँ पर कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं यहाँ के लोग, व्यवस्था अच्छी है, बिगड़ी है, सुधरी है, क्या हालात हैं। तो अंकल कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को तो पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, कुछ हालांकि उतना तो बदलाव होगा ही, लेकिन अगर पिछले 5 सालों की हम बात करते हैं कितना बदलाव हुआ, अच्छे की तरफ गया? जी हम तो अपना बता रहे हैं, हमारी गली में कुछ भी नहीं हुआ, 20 साल से गली नहीं बनी अभी तक, सारी गलियाँ 2-2 बारी बन चुकी हैं। अच्छा। गली नंबर 5 बता रहा हूँ मैं आपको, 20 साल हो गए गली नहीं बनी, एकदम टूटी फूटी है। एक बारी गली में देखो आप, गंदगी फैली हुई है, कुत्ते इतने लैटरिंग करते हैं। पाइपलाइंस वगैरह कुछ डली है क्या उसमें? पाइपलाइन तो डली थी, पाइपलाइन दिलवा दी थी उन्होंने, पाइपलाइन तो हमने, दिक्कत क्या थी? पानी इतना गंदा आ रहा था पानी, हमने कंप्लेंट करी है, पाइपलाइन तो उन्होंने डाल दी है। अब इन्होंने गैस की वो डाली है, गैस की लाइन है उसके, वो नहीं ठीक कराया अभी तक इन्होंने। अच्छा, पूरी गली ऐसी पड़ी हुई है टूटी फूटी और लैटरिंग कर रहे हैं, कुत्ते इतने हैं पूछो मत। तो कंप्लेंट नहीं करते आप स्ट्रे डॉग्स की? क्या, मैं खुद कंप्लेंट 4 बारी करके आया हूँ, अभी तक कोई ठीक नहीं करने नहीं आया। अच्छा, हाँ जी, तो ये समस्याएं हैं, समस्या मतलब ये सबसे ज्यादा कुत्तों की समस्या है, रात को आप आ जाओ ना निकलना मुश्किल है उसमें गली पे से। अंकल आप कहाँ रहते हैं? मैं तो राजा पार्क रहता हूँ। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है वहाँ? वहाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ तो पार्क को नज़दीक कोई है ही नहीं, वहाँ अपना रेलवे कॉलोनी में पार्क है, वो तो पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा। हाँ, ये पार्क में भी साइड रहता था, ये पार्क भी पहले तो मिट्टी मिट्टी बहुत होती थी, अब तो ठीक हो रहा है। वैसे मतलब बीते 5 सालों में ज़्यादा बेटर हुआ है या फिर पहले ही हो गया था? नहीं नहीं, अभी तो ये ठीक हुआ है, वैसे तो पहले कहाँ हुआ था। विधायक कैसे हैं? विधायक कैसे हैं? ठीक है, विधायक ठीक है, ठीक है। जितने सतेंद्र जैन जी तो बहुत अच्छे हैं, अब मिलने भी आते हैं इधर, एक और तिकोना पार्क है उसमें 2-3 बार मैं मिल चुका हूँ उनको, ठीक है। काम हुआ है उनके रहते हुए? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप बताइए। ठीक है, सत्येंद्र जैन के बारे में तो ठीक ही है। ठीक है, तो फिर बुरा कहाँ है? नहीं बुरा, हम जो ये कहते हैं कि सफाई सुबह ही नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, मतलब जो भी है। इंतजाम कैसे? जैसे भी अब होना चाहिए, अब ये जो डॉग्स की प्रॉब्लम ही है, ये गलियाँ नहीं बनी ढंग से, कई कुछ बनी है कुछ नहीं बनी, कुछ मतलब सड़कें खराब है यहाँ, सड़कों पर काम नहीं है। गलियों में एक दो वैसे बन रही हैं, लेकिन गलियां जो हैं 2-3 गलियां में जैसे खुदाई हो जाती है तो वो दोबारा अभी रिपेयर नहीं हुई है, बाकी जो साथ हो जाती हैं, कई हो चुकी हैं, कई अभी रहती हैं, बस ये इधर की नहीं करी, इधर की इनकी के साथ में कोई गली ठीक नहीं करी अभी तक। आंटी आ रही हैं यहाँ पर बात करने, आई कुछ और लोग, आप भी यहीं सब रहते हैं? हाँ, सब यही रहते हैं बेटा, बोलो। तो कैसा है हालचाल, ठीक है? विधायक काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है? हाँ जी कर रही है। कुछ दिक्कतें समस्या है? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, सरकार से कोई समस्या? सरकार किससे समस्या है फिर? नहीं सरकार से कोई समस्या ही नहीं है, बस बात खत्म। आपने यही पूछा है ना? हाँ, तो उससे कोई नहीं, सड़कें वड़कों की तो दिक्कत बता रहे हैं ना कि सड़कें, वो थोड़ी बहुत तो होंगी, हो जाएंगी ठीक, मतलब बेटर है। शीला कांग्रेस सरकार की अगर हम बात करें, इससे पहले कांग्रेस सरकार रही, बेटर है अब? हाँ जी बेटर है, बेटर है, बेटर है बिल्कुल। पूरी 70 की 70 जा रही है अब सीटें, ये तो कह नहीं सकते जी, ये कुछ नहीं कह सकते। आपके अकॉर्डिंगली तो कोई समस्या नहीं है? तो फिर तो एकले के लिए एक समस्या नहीं है, औरों के भी तो होंगे ना। मैं एकला तो हूँ नहीं, ये चीज़ें सभी के होंगे, सबकी है जो मत सबके हैं। बीजेपी कुछ चांसेस लग रहे हैं? चांसेस तो है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये तो कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो गई है। कन्फ्यूजन का मतलब बेटा अपने अपना वो माहौल है, जैसा जैसा जिसका माहौल है, ये चीज़ है। आप भी यही रहते हैं अंकल? रहता तो यहीं। कुछ है समस्या, दिक्कतें? दिक्कत तो कोई नहीं है, दिक्कत क्या है?
कोई दिक्कत नहीं है। सुविधाएं क्या क्या है? विधायक तो अच्छे हैं जी, हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं, हमें किसी बात की परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही पहले क्या क्या समस्या थी यहाँ जो अब सुलझ गई है? पहले देखो सबसे बड़ी समस्या यही पार्क की थी, पार्क की बहुत समस्या हल हो गई है, बहुत ज़्यादा ही हल हो गई है। अब जब से तार वार लगे हैं और नई पब्लिक जा रही है अंदर, मेंटेनेंस हो गई है। हाँ, चलिए तो ये यहाँ के लोग हैं, आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पार्क में हैं तो यहाँ लोग टहलने के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। भैया एक मिनट, हाँ हम चले जाएँ ज़रा। तो अंकल जी, आप सब यहीं रहते हैं रानी बाग में? तो कैसा है क्षेत्र में, समस्याएं दिक्कतें हैं? बहुत बढ़िया। मेरी समस्या मैडम, कई दिन से हमारी करीबन दो हफ्ते से पानी की बड़ी समस्या, पानी बहुत गंदा आ रहा। पानी गंदा आ रहा है? बहुत गंदा पानी आ रहा, पीने लायक पानी नहीं है बस। बाकी तो हमारे अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो पानी साफ हो जाना चाहिए था। पता नहीं क्या दिक्कत, पीछे से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा पहुँचा दिए हमारी बात। विधायक साहब ध्यान नहीं दे रहे लगता है। नहीं, इलेक्शन में जुट गए हैं, इलेक्शन टाइम आ गया उनका, देखो क्या हो सकता है। बाकी पानी की दिक्कत है, बाकी लाइट वाइट हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। और हमारा पहले थी या लाइट की दिक्कत थी? नहीं, पहले भी नहीं थी, पहले भी थी लाइट वाइट तो पहले नहीं। वो दिक्कत है जो पहले थी जो अब खत्म हो गई होंगी? नहीं, हाँ लाइट की पहले दिक्कत होती थी, अब नहीं है। बाकी थोड़ी मेन पानी की थोड़ी है, आ जाएगा पानी, थोड़ा पीछे से प्रॉब्लम है उसकी थोड़ी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पार्क हमारे जेठरी साहब ने पार्क बढ़िया बनवा दिया। वो तो पार्षद का काम हो गया, वो तो पार्षद, हम विधायक की बात कर रहे हैं। विधायक जी काम करते हैं हमारे, अच्छा काम करते हैं। कुछ 5 सालों में अच्छा हुआ, क्योंकि नई पार्टी चुनी, नया इंसान चुना दिल्ली के लिए? अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, कई बेचारे तंग हैं, कई परेशान हैं, परेशान भी बहुत हैं, लोगों का काम नहीं रहे, बात तो ये है। नोटबंदी के बाद काम बहुत, जिस तरह से यहाँ दिख रहा है लोगों का मूड, काम कुछ हुआ है, कुछ जगह नहीं भी हुआ, लोग मजबूरी में भी वोट कर रहे हैं। तो शकूर बस्ती में हम लगातार आपको जायज़ा हम यहाँ ले रहे थे, आपको बताने की कोशिश कर रहे थे जनता का मूड आखिर किस तरफ जा रहा है। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में, जानेंगे वहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली का चुनाव है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बेहद जो है जानना ज़रूरी होगा लोगों का मूड, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहे मूड ऑफ दिल्ली।